सलमान खान फिलहाल बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स में से एक है। पहली बात ये क्योंकि उनकी फिल्म ताबड़तोड़ कमाई करती है, दूसरी बात ये कि उनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। उनकी फिल्म जैसे ही अनाउंस होती है लोगों को इंतजार होता है कि कब ये सिनेमाज में रिलीज होगी और हम देखने जाएंगे, तालियां बजाएंगे, सीटी बजाएंगे। लेकिन उनकी कुछ मूवीज ऐसी भी रही हैं जो अनाउंस हुई, इवन आधी बेजादी शूट भी हो गई लेकिन रिलीज नहीं हो पाई। आज उनकी ऐसी 6 मूवीज हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। पहली मूवी है रणक्षेत्र। बतौर लीड एक्टर सलमान ने अपनी करियर की शुरुआत 1991 में आई मैंने प्यार किया से की थी। राजश्री प्रोडक्शन के सूरज बरजातिया ने ये फिल्म डायरेक्ट की थी। फिल्म में उनकी हीरोइन थी भाग्यश्री। इस फिल्म के बाद सलमान खान लड़कियों के बीच में हार्ट थ्रॉप बन गए और भाग्यश्री अपनी भोली भाली अदाओं से सबका दिल मोह चुकी थी मैंने प्यार किया में, तो इसीलिए वो हर घर में जानी जाने लगी। इस जोड़ी को फिल्म मेकर्स ने ताड़ना शुरू कर दिया। वो समझ गए कि ये ऑन स्क्रीन जोड़ी चलेगी, अब इनसे पैसा कमाया जा सकता है। तो उन्होंने फटाफट से उनके साथ एक और फिल्म साइन कर ली जिसका नाम था रणक्षेत्र। ये फिल्म अभी साइन ही हुई थी कि भाग्यश्री ने अपने बॉयफ्रेंड हिमालय दसानी के साथ शादी करने का फैसला कर लिया। उन्होंने ये भी एक पॉलिसी बना ली कि अगर मैं शादी के बाद काम करूंगी तो अपने हस्बैंड के साथ ही करूंगी, वरना मैं नहीं करूंगी। तो ऑफकोर्स रणक्षेत्र बन नहीं पाई। दूसरी फिल्म है दिल है तुम्हारा। अब आप कहेंगे कि दिल है तुम्हारा तो रिलीज हुई थी 2002 में, जिसमें प्रीति जिंटा, महिमा चौधरी, अर्जुन रामपाल और जिमी शेरगिल थे। नहीं, ये वो वाली फिल्म नहीं है। ये फिल्म है जो 1990 में शुरू होने वाली थी। इसकी क्या कहानी है जरा ध्यान से सुनिए। 1990 में राजकुमार संतोषी ने सनी देओल के साथ घायल बनाई थी जो जबरदस्त हिट रही। सनी देओल सुपरस्टार थे, सलमान खान अभी अभी आए ही थे। दोनों को साथ लेकर संतोषी ने एक फिल्म प्लान की थी। उसके एक शेड्यूल की शूटिंग पूरी भी हो चुकी थी, दूसरे पर काम शुरू किया जाना था। दूसरी तरफ धर्मेंद्र के बेटे और सनी देओल के भाई यानी बॉबी देओल को फिल्मों में लॉन्च करने की तैयारी चल रही थी। बॉबी और ट्विंकल खन्ना के साथ लेकर बरसात नाम की एक फिल्म बननी थी। मासूम और मिस्टर इंडिया जैसी फिल्में बना चुके शेखर कपूर उसे डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन शेखर और प्रोड्यूसर के बीच में कुछ क्रिएटिव मतभेद हो गए तो शेखर ने फिल्म छोड़ दी। इसके बाद बरसात को डायरेक्ट करने के लिए राजकुमार संतोषी को बुलाया गया। दिल है तुम्हारा को संतोषी ने बीच में ही छोड़ दिया और बरसात पर काम शुरू कर दिया। तो इस तरह बरसात मूवी तो बन गई बॉबी देओल की, लेकिन सलमान खान की दिल है तुम्हारा नहीं बन पाई। तीसरी फिल्म है 10। साल 1997 में एक बड़ी फिल्म बन रही थी, नाम था 10। इसको बना रहे थे अग्निपथ, हम और त्रिमूर्ति जैसी फिल्में बना चुके मुकुल आनंद। रिलीज से पहले ही इसकी फेमस होने की वजह थी इसकी स्टार कास्ट। इसमें सलमान खान, संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी और रवीना टंडन जैसे स्टार काम कर रहे थे। इस फिल्म में कुछ खतरनाक एक्शन सीन्स भी थे और पहली बार रवीना टंडन इसमें नेगेटिव रोल करने वाली थी। अब हुआ क्या कि 10 की शूटिंग लोकेशन पे जो डायरेक्टर थे मुकुल आनंद, उनकी हार्ट अटैक से शूटिंग लोकेशन पर ही मौत हो गई, तो फिल्म रुक गई और कुछ समय तक वो रुकी ही रही। फिर बाद में ऐसी बातें हुई कि मुकुल आनंद के भाई राहुल को डायरेक्ट करना चाहिए और फिल्म को कंटिन्यू करके ख़त्म करना चाहिए, लेकिन वो सारी बातें हवा हवाई हो गई तो फिल्म बेसिकली रुक गई। और आपको पता है इसी फिल्म से तिकड़ी म्यूज़िक की, जिन्हें हम आज की डेट में लेजेंड कहते हैं, शंकर एहसान लॉय, वो अपनी डेब्यू करने वाले थे। ये फिल्म तो नहीं बन पाई, लेकिन इस फिल्म के मेकर्स ने 1999 में इसका साउंडट्रैक रिलीज कर दिया। इसी फिल्म का गाना था वो सुनो गौर से दुनिया वालों, लेकिन फिल्म ये कभी पूरी नहीं हो पाई। इस लिस्ट की चौथी फिल्म है चोरी मेरा नाम। ये फिल्म सुनील शेट्टी, शिल्पा शेट्टी, काजोल और सलमान खान को लेकर बनने वाली थी। इस फिल्म के बारे में बताया गया कि ये फिल्म फुल ऑन एक्शन वाली होने वाली है और इसमें एक सीक्वेंस होगा जिसमें पकड़म पकड़ाई वाली चेजिंग दिखाई जाएगी, और बॉलीवुड में ऐसा एक्शन किसी बॉलीवुड फिल्म में ना किया गया होगा और ना ही देखा गया होगा। बट ये फिल्म शूटिंग के बीच में ही रुक गई, मतलब 50-60% शूटिंग हो चुकी थी लेकिन बीच में ही रोक दी गई। अब इतने एक्शन सीन शूट हो चुके थे कि उसका इस्तेमाल कहीं तो करना था ना, इसलिए इसके बाद सुनील शेट्टी और सलमान खान का एक एक्शन सीक्वेंस एक सॉफ्ट ड्रिंक की एड में यूज किया गया। पांचवी फिल्म है बुलंद। इसमें सलमान खान एक रिवेंज स्टोरी लेकर आने वाले थे, लेकिन अफसोस वो ला नहीं पाए। स्टोरी ये होने वाली थी कि सलमान खान जो कि हीरो थे फिल्म के, उनकी गर्लफ्रेंड जो फिल्म में होती उसे रेप करके मार दिया जाता है। इस बात का रिवेंज वो फिल्म में लेते, लेकिन फिल्म अफसोस बन नहीं पाई। इस फिल्म की सबसे खास बात ये थी कि उनकी हीरोइन जो उनकी रियल लाइफ गर्लफ्रेंड थी उस वक्त, सोमी अली, वो प्ले करने वाली थी।
सोमी फुल टाइम मॉडल थी और सलमान खान की खास दोस्त भी थी। ये फिल्म भी आधी शूट होकर रुक गई। 2017 में ऋतिक रोशन की जो फिल्म आई थी काबिल, उसे बुलंद से ही इंस्पायर्ड बताया जाता है। इस लिस्ट की आखिरी फिल्म है हैंडसम, और इस फिल्म के बारे में बताए बिना ये लिस्ट पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि जब ये फिल्म अनाउंस हुई थी तब सबके मन में ये एक्साइटमेंट थी कि संगीता बिरलानी और सलमान खान ऑन स्क्रीन एक साथ कैसे दिखने वाले हैं। स्टार कास्ट क्योंकि यही दोनों थे, और ऐसा भी बताया गया था कि ये फिल्म एक लव ट्रायंगल के ऊपर होगी, क्योंकि इन दोनों के अलावा इस फिल्म में नगमा भी होने वाली थी। पहले तो जब अनाउंसमेंट हुई तो बहुत एक्साइटमेंट फैल गई, बट कुछ टाइम बाद इस फिल्म की डिब्बा बंद होने की खबरें फैल गई और उनसे इस फिल्म का बस ख़राब हो गया। बस ख़राब होने का मतलब ये है कि बातें ज़्यादा बाहर निकल कर आई नहीं कि फिल्म क्यों बंद होने जा रही है, लेकिन फिल्म आखिरकार बंद हो गई। अब आप बंद मत करना है, आप फटाफट जाकर फेसबुक पर ललन टॉप के पेज को लाइक करना और यूट्यूब पर जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी खबरें सिनेमा के बारे में आपको यहीं मिलती हैं, ओनली ऑन द ललन टॉप। थैंक यू।